हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो नंबर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, इसी को हम लोग इसी वीडियो में हम लोग इंक्लूड किए हैं। आप लोग जरूर चलिए, मेरे चैनल को अभी तक नए बार विजिट कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 217 × 217 + 183 × 183। इसका मतलब क्या है और इसका आंसर क्या है आप लोग जरूर देखिए। पहला पिछले वीडियो में इसी को मैं गलत तरीके से प्लस को माइनस कर दिया था, लेकिन आप लोग जरूर ये जो प्लस है आप लोग पिछले वीडियो में माइनस कर देंगे तो आप सब आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग इंक्लूड किए हैं आप लोग को ताकि समझ सकते हैं। ठीक है, ए मान के चलिए ए इज इक्वल 217, बी इज इक्वल 183। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसका मतलब है ए, ये भी ए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ये बी एंड ये बी, बी इंटू बी स्क्वायर। हमारे पास में फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये है हमारे पास उसका फार्मूला। आप लोग फार्मूला वाइज पुट कर देंगे। एक का मतलब क्या है हमारे पास 217, बी का मतलब क्या है 183, उसका जोड़ने पर स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 × 217 × 183। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो निकल कर आया है 400 का स्क्वायर माइनस ये जो निकल कर आया है 79422। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद माइनस 79422 हमारे पास आंसर निकल कर आया है 80578। ये हमारा कौन सा नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15। 15 का डिविजिबल रूल हम लोग का पता नहीं है, लेकिन इसको तोड़ देते हैं 3 और 5। ठीक है, 3 का डिविजिबल रूल एंड 5 का डिविजिबल रूल हम लोग को पता है। ठीक है, देखिए 5 का डिविजिबल रूल क्या है, राइट साइड में 5 या 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 में जो डिविजिबल है ऑल ऑफ सम नंबर बाय 3, ये जो डिविजिबल हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी हम लोग ऑप्शन तरफ से पहला ऑप्शन को उठाएंगे, ये 3 से या 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। आप लोग वन से गौर कीजिए, 5 5 5 0, ये जो चार ऑप्शन में ऑल डिविजिबल 5 से हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से 5 और 0 भी राइट साइड पे है। लेकिन हम लोग का क्या पता करना चाहिए, 3 का पता करना चाहिए। 3 कैसे पता करेंगे, पहले ऑप्शन तरफ से 1 + 7 + 3 + 2 + 5 / 3 ये डिविजिबल हो जाएगा तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला। ठीक है, 5 2 7 3 10 7 17 1 18 18 / 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 780 * 3945 इज डिविजिबल बाय 11, हुयर स्टार इज ए डिजिट, जिसमें स्टार एक डिजिट है, देन स्टार इज इक्वल टू डैश। ये जो चार ऑप्शन में, ये जो स्टार वाला पोर्शन में कौन सा अक्षर को बैठा देने के बाद ये 11 से डिविजिबल पूरी तरफ से हो जाएगा। हम लोग का पता है 11 जो डिविजिबल रूल है, आप लोग कैसे पता करेंगे, पहले अंक छोड़कर और एक पहले अंक छोड़कर बाद अंक का जोड़ना माइनस इसी तरफ से पहले अंक छोड़कर बाद अंक जोड़ना। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, 1 2 1 ये एक अंक है, ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा हम लोग कैसे पता करेंगे, ये पहले अंक उसका बाद छोड़ दीजिए, उसका बाद अंक को जोड़ दीजिए और मिडिल अंक को घटा दीजिए,
ये या तो शून्य आएगा या तो 11 आएगा, ये पूरी तरफ से 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरफ से हम लोग ये लिखेंगे संख्या को 780, वहाँ पे किसरा है हम लोग का पता नहीं, 3945 हमारे पास इतना अंक दे रखा है, इतना जो संख्या दे रखा है, ठीक है। इसी संख्या पे हम लोग कैसे याद करेंगे, हम लोग देखिए ओ वाला प्लस ओ वाला को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक एक घर को छोड़ दीजिए। ये हमारा 11 से डिविजिबल जो फार्मूला है, ठीक है। 7+-3+9+5, ठीक है। उसका जो जोड़ने के बाद हम लोग का कैसा क्या है, 9, 5 और 7, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद 9, 5, 14, 14, 7, 21, ठीक है। हमारे पास 21 मिलकर आए हैं। उसका बाद जो कि बचा है 4, 1 छोड़ दीजिए 3 और 1 छोड़ दीजिए 8, मतलब हमारे पास 4+3+8 हमारे पास है क्या, 15, ठीक है। देखिए हम लोग 15 को 21 में घटा दीजिए, वहाँ पे कितना बच कर आए हैं आप लोग देखिए, 6 बचा कर आए हैं, ठीक है। हमारे पास में कितना होता है, वो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, हमारे पास 0 या 11, ठीक है। हम लोग का तो 0 से तो आ नहीं सकते, हम लोग 6 आ रहे हैं यानी पॉजिटिव आ रहे हैं, इसको हम लोग 11 कैसे करेंगे, ठीक है। और कितना ऐड करेंगे, ये 11 हो जाएगा हमारे 5, ठीक है। उसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। आप लोग समझ नहीं सकते तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं और एक वीडियो डालकर आपको समझ सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। 489+375 का होल स्क्वायर एंड -489-375 का होल स्क्वायर बटे 489 × 375। हम लोग इसको कैसे करेंगे देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। हम लोग मान लीजिए a इज इक्वल टू 489, b इज इक्वल टू 375, ठीक है। इसको a एंड इसको b लेने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, माइनस है ये a, ये b, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, बटे में a इंटू बी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसका बाद बटे ab, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे में ab, ठीक है। उसका देखिए वहाँ पे गौर कीजिए, ये जो ए स्क्वायर प्लस है ये ए स्क्वायर माइनस है कट जाएगा, ये बी स्क्वायर जो प्लस है ये बी स्क्वायर है कट जाएगा, बचा है कितना है हमारे पास, ऊपर में बचा है ये है हमारे पास 2ab प्लस 2ab, ये मतलब 4ab, बटे में कितना है ab, उसका मतलब ab कैंसल, हमारे पास बचे का आया कितना, 4, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए कोई वैल्यू पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे, आप लोग तो चाहिए तो वैल्यू पुट कर दे तो आंसर वही भी निकले कर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन ए दे रखा है, व्हिच इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 349, ठीक है। इसको ये जो 349 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये जो लीस्ट 6 डिजिट नंबर दे रखा है आपका पास में, कौन सा होगा ऑप्शन में, ठीक है। हम लोग देखते हैं जो 6 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या है, लीस्ट नंबर 6 डिजिट ये क्या है,
ये आपका पास है लिस्ट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये है हमारे 6 डिजिट का नंबर। ये जो 6 डिजिट नंबर कौन सा नंबर है, ये जो 3, 4, 9 से पूरी तरह से डिविजुअल हो जाएगा। हम लोग ऐसे इसको कैसे करेंगे उसको आप लोग देखिए, उसको हम लोग 3, 4, 9 से भाग देंगे। 3, 3, 4, 2, 3, 4, 9, 2 जा कितना होगा 689, 689, ठीक है। बचा में कितना 200, ठीक है। उसका बाद कितना जाएगा जा हमारे पास निकल कर आएगा 2792, ठीक है। उसका घटने के बाद हमारे बच्चे का आएगा 2280, 3, 4, 9, 2, 6 जा कितना होगा 2094, 186 हमारे पास बचा है, ठीक है। 186 हमारे पास बचा है। 3, 4, 9 - 186, 6, 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 6 डिजिट नंबर में 163 जोड़ दीजिए तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा 3, 4, 9 से, ठीक है। मतलब 163 से आप इसको जोड़ दीजिए 100163, यानी ऑप्शन क्या है हमारे पास 100163, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर व्हाइल डिवाइडिंग 2176 लीव्स 9 रिमाइंडर, ठीक है। हम लोग इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। व्हाइल 2176 लीव 19, हम लोग देखिए ये जो लीव आ रहा है इसको हम लोग, ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 2176 - 9 कितना होगा आप लोग देखिए, 2176 - 9 ये आ रहा है 2167, ठीक है। हमारे पास 2167 में है। ये देखिए आप लोग पूरा गौर कीजिए, ये 11 से पूरी तरफ से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 162 2 + 6 कितना होगा 8, 1 + 7 ये भी 8 है, 8 - 8 = 0, ये 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 11 से डिविजिबल करने के बाद, ये 11 से डिविजिबल होने के कितना होगा 11 से भाग देने के 11 उसका बाद बचा है कितना 10, ठीक है। 10 बता है 11 9 69, ठीक है। 16 - 69 बटे बचा है कितना 7, उसके बाद 7 11 77, ठीक है। 1197 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 60 इज डिवाइडेड बाय 5 = - हम लोग देखिए एक गौर कीजिए, 2 to the power 60 ये कैसा लिखा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 ये कितना 2, 1, 2, 3, 4 मतलब 2 to the power 4 ये होना बात, ठीक है। हम लोग देखेंगे 2 = हम लोग 2, 2, 2 up to 60 तक, ठीक है। ये 60 तक लिखा गया है 2, 2, 2। हम लोग पहले 5 को हम लोग भाग देंगे, मतलब 2 × 2 × 2 कर देंगे, उसका बाद 2 to the power कितना होगा 3 गया है हमारे पास 57, ठीक है। 57, 58, 59, 60 ये हुई ना बात, ठीक है। इसको हम लोग देंगे भाग देंगे, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। 57 का मतलब नहीं है, सॉरी, इसको हम लोग मान के चलिए 57 ये है, उसका बाद 56, ठीक है। चलिए 56
इसको हम लोग ये जो चार है इसको हम लोग पाँच से भाग देंगे। ठीक है, कितना बचा है आप लोग देखिए पूरा ध्यान से, दो गुणा दो गुणा दो, ये है हमारे पास सोलह। ठीक है, सोलह बटा पाँच कितना होगा देखिए, हमारे पास कितना बच कर आएगा, पाँच दूने सॉरी पाँच दिया पंद्रह, एक बच कर आएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सेवन टू द पावर नाइनटीन प्लस टू इज डिवाइडेड बाय सिक्स, ये होना बात। ठीक है, ये कितना होगा आप लोग देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, ये सेवन टू द पावर नाइनटीन का मतलब सेवन एक अलग निकाल दीजिए और उसका एटीन कर दीजिए। ठीक है, इंटू सेवन प्लस टू, ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये जो सात जो है ये हमारा निकल कर आएगा नाइन बटे सिक्स पे, रिमाइंडर कितना आएगा देखिए, छ एकम छ तीन, ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन आ रहा है, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव देन ए प्लस बी इज इक्वल टू डैश। आप लोग वहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, वहाँ पे हम लोग देखिए ए प्लस बी का क्या मान है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कट गया इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर वन टू हंड्रेड, ये एक संख्या है वन टू हंड्रेड तक, मान के चलिए एन तक। ठीक है, एन इज इक्वल टू हंड्रेड वहाँ पे है, एक ही फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन बटे टू, ये फार्मूला आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और नोट कर दीजिए। ठीक है, एन इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू एक सौ एक बटे टू, उसको काटेंगे फिफ्टी फिफ्टी, उसका मतलब है गुणा कर दीजिए फिफ्टी फिफ्टी, हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप ये जो वीडियो को आप लोग समझ आए होंगे, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, जो भी गलत है मेरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका अगले वीडियो में ये जो गलत कभी मत करूँगा। ठीक है, चलिए आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।